अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमीर सफरीदी, आई एम फ्रॉम ब्लैकस्टोन आर्म्स। आज लाया हूँ आपके लिए एक नई रिव्यू डेनियल डिफेंस का M4 कार्बाइन। इस वीडियो में आपको इसकी एक्यूरेसी दिखाएंगे, इस पर फायर करेंगे, क्योंकि आप लोग का बड़ा गिला शिकवा था कि यार आप लोग रिव्यू तो करते हो लेकिन उस पर फायर नहीं करते। तो इंशाल्लाह आपका गिला आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं राइफ़ल के बारे में तो ये डेनियल डिफेंस M4 कार्बाइन है, ठीक है। अगर बात करूं इसके मटेरियल के बारे में तो इसका जो कैचर ये ओरिजिनल है, ठीक है। मैगजीन इसका ओरिजिनल है, मैगजीन जो है मैकपुल का ओरिजिनल मैगजीन है। इसके साथ हम देते हैं नेटो वाला ओरिजिनल मैगजीन, ठीक है। अगर आप फिर ये परचेज़ करना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट आप ये परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 40 राउंड्स वाला मैगजीन है, ये आप परचेज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके ये किट के बारे में तो आपको जौन सा डिज़ाइन चाहिए बिल्कुल आप वो हमें बता सकते हो, सीएनसी मशीन से वो हम बना सकते हैं, क्योंकि टोटली काम हमारा सीएनसी मशीन से होता है। तो बकाया जितना भी मटेरियल है, मैगजीन एंड कैचर ये ओरिजिनल है, बकाया सारा मटेरियल जो है ये 41-40 है, ठीक है। दो तरह के राइफल्स बनाते हैं, एक जो है पूरा 41-40 और ये दो चीज़ें ओरिजिनल। उसका जो प्राइस है वो 1,80,000 है। अगर आप कहते हो कि यार छोटा बुल्ट और बड़ा बुल्ट इसमें आप ओरिजिनल लगाओ तो उसके साथ इसका प्राइस जो है फिर 2,20,000 है, ठीक हो गया। इसका जो बैरल है 41-40 हार्ड क्रोम बैरल है, इसमें क्रोम भी होता है। अच्छा, अगर बात करूँ इसके बट स्टॉक के बारे में तो ये आप अपने आर्म लेंथ के मुताबिक आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप कोई और डिज़ाइन इसमें लगाना चाहते हो कोई बट स्टॉक में तो आप वो भी लगा सकते हो। ये पॉलीमर का बट स्टॉक है। अगर मैं पिस्टल की ग्रिप की बात करूँ तो ये भी पॉलीमर का है, बेहतरीन मटेरियल है, अमेरिकन मटेरियल हम यूज़ करते हैं। इसमें और डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे अगर आप वो लगाना चाहते हो, ठीक है। बट स्टॉक में भी आपको डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट मॉडल्स आपको मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके रेल के बारे में तो शुरू से लेकर आखिर तक इसका पैक्टेनी रेल है। अगर आप कोई टॉर्च वगैरह या स्कोप वगैरह लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। साइडों पे नीचे आप हैंड ग्रिप लगा सकते हो, ठीक है। जो भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसकी जो फायरिंग की परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी बेहतरीन है, आपने ख़ुद भी देखा होगा। हमारे जितने भी राइफल है उसको हम कोशिश करते हैं कि पूरा इंटरचेंजेबल बनाए, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल का कोई पार्ट या कोई और राइफल का कोई पार्ट इसमें लगाना चाहे तो इसमें ईजली काम करे और इसमें इंशाल्लाह वर्क करेगा। हम एक एक्यूरेसी पे भी काम करते हैं। अगर आप इसमें दूसरा कलर परचेज़ करना चाहें तो बिल्कुल आप दूसरा कलर भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सीमी ऑटोमेटिक एंड फुल ऑटो भी बन सकता है अगर आपके लाइसेंस पे फुल ऑटो अलाउ, वरना अगर आपके लाइसेंस पे अलाउ नहीं है तो अब हम आपको सिर्फ सीमी ऑटो ही देंगे। दूसरे इसमें लॉक का सिस्टम है, ठीक है। अभी ये लॉक मूड में है, ये आप देख ले, ये जो है लॉक मूड में है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे लॉक मूड से फायर, तो ठीक है, मैगजीन इसका बिल्कुल खाली है, ठीक है। और क्वालिटी के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया कि यार प्राइस के बारे में बता दिया। कुछ लोग होते हैं वो इम्पोर्टेड ख़रीदते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों का जो बजट है वो लो होता है, तो उसके लिए हम फिर रिकमेंड करते हैं अपने कंपनी मेड राइफल्स। अगर आप पिस्टल ख़रीदते हैं या आप राइफ़ल ख़रीदते हैं तो इंशाल्लाह हमारी कंपनी की जो राइफल्स है या पिस्टल है वो आपको ऐसे परफॉर्मेंस देंगे जैसे ओरिजिनल, ठीक है। मैं दूसरी मैगजीन डाल रहा हूँ, ये नेटो वाली मैगजीन है, ठीक है। इसके साथ हम आपको 1,80,000 में ये वाली मैगजीन देंगे, दो मैगजीन देंगे, या ओरिजिनल अमेरिकन नेटो मैगजीन है। अगर आप
फिर चाहते कि यार आफ्टर मार्केट में कोई और मैगजीन खरीदूं, तो ये मैकपुल का ये मैगजीन है, £40 इसमें आते हैं, आप ये परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसकी प्राइस भी बता देता हूँ, ये आपको हमारे शॉप से मिलेगा 18,000 का। ठीक है, एक मैगजीन £40 का।